नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटीरिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान क्या हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और वह अपनी माँ की पेट में ही है, और उसके किसी भी संबंधी जिसका कि उसके संपत्ति में उस बच्चे का हक निहित है, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन वह किसी प्रकार से वसीयत नहीं करता है, तो यहाँ पे उस बच्चे के क्या अधिकार हैं, क्या बच्चे को उस प्रॉपर्टी पे हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बात बताएंगे और आपको साथ ही साथ कानूनी टर्म को भी समझाएंगे किस प्रकार से यदि उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो जब जन्म होता है तो उसका क्या अधिकार होगा, और उसकी जो माता है वह किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए यानी अपने बच्चे के अधिकार के लिए दावा कर सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून और बैंकिंग संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 की धारा 20 के अंतर्गत यह सीधा सीधा प्रोविजन दिए गए हैं कि यदि किसी बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है और वह अभी अपनी माँ के कोख में है लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है जिसमें कि उसके पिता ने कोई वसीयत नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसे रिलेटिव का मृत्यु हो जाता है जहाँ पे उस बच्चे का इंटरेस्ट उसके प्रॉपर्टी में होगा, तो यदि बच्चे का जन्म नहीं होता है तो भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20 उस बच्चे के अधिकारों के रूप में बात करती है। और जब वह बच्चा पैदा होता है और जब वह जीवित पैदा होता है तो उसके भी वही अधिकार होते हैं जो कि किसी जन्मे हुए बच्चे के अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे जब तक वह बच्चा 18 साल की उम्र पार नहीं कर देता है तब तक उस बच्चे का उस प्रॉपर्टी पे अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है, लेकिन उसका जो भी वैधानिक संरक्षक या फिर लीगल गार्जियन होगा उसका उसके संपत्ति पे स्वामित्व होता है। लेकिन जैसे ही जब वो बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो वह उस प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी स्थित है उस डिस्ट्रिक्ट में अपने जिले में जा कर के अपने जो भी सिविल कोर्ट है वहाँ पे इसके लिए एक दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस अजन्मे बालक के लिए भी एक अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 20 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।